नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज, खबर खगौल से है। भले ही बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी शराब हर रोज वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं। इसी कड़ी में आज खगौल थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए बताया कि अभी होली का त्योहार नजदीक आ रहा है, जिसको लेकर शराब पर लगाम लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह पर छापेमारी भी की जा रही है। वहीं वाहन से जो प्रवासी मजदूर ट्रेन से होली में घर लौट रहे हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। अगर कोई वैसा व्यक्ति मिलता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं और जगह जगह पर चेकिंग लगा दिया गया है। जहाँ संभावित जगह है जहाँ शराब बिकने की सूचना है या जहाँ इकट्ठा हो रहा है शराब ला करके जमा किया जा रहा है, उसे जगह को हम चिन्हित कर लिए हैं और हर जगह छापेमारी कर रहे हैं। वो जब प्रवासी मजदूर या जो भी व्यक्ति आएंगे बाहर से, उनके लिए भी वही कानून और वही व्यवस्था है और हम लोग पूरा तरह सजग हैं। जहाँ भी सूचना मिल रही है वो छापेमारी कर रहे हैं और बरामद हो रही है शराब और जेल जा रहे हैं, तो उनके लिए भी वही कानून जो बना हुआ है पहले से वही लागू रहेगा। उनके लिए भी अगर वो शराब पीते हैं तो उनके लिए भी कार्रवाई होगी। रेलवे स्टेशन यहाँ पे काफ़ी बाहर से आ रहे हैं, ट्रेन भी आ रही है यहाँ पर, होली को मद्देनजर जो है ट्रेन यहाँ रुके हैं। हम लोग का है क्या कि जैसे उतरेंगे उस पर टेम्पो वो लोग पकड़ते हैं, ज़्यादातर टेम्पो का प्रयोग करते हैं घर जाने के लिए। हम लोग सोचे हैं कि जगह जगह पर जैसे लग के नीचे हो गया या आर्मी के नीचे हो गया या रेलवे खाना के पास हो गया,